सो लेट्स स्टार्ट द स्टडी। गन इफेक्ट डायोड जो है, हम लोगों ने गन इफेक्ट या फिर जो मोड है गन मोड, वो हम लोगों ने पढ़ा था। थोड़ा उसके आज आगे पढ़ेंगे फटाफट से, बिकॉज टाइम कम है। ठीक है, जितने बच्चे आए उतने ही ठीक है। अशोक, भावरू और प्रवृत्ति, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन द फर्दर टॉपिक, दैट इज LSA मोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मोड है बेटा। LSA लिमिटेड चार्ज अक्यूमुलेशन रीजन बोलते हैं इस चीज को, ठीक है ना? तो लिमिटेड चार्ज अक्यूमुलेशन बोलते हैं इस चीज को, तो फटाफट वही चीज चेक करते हैं। ठीक है, तो एडिंग दो LSA मोड, ठीक है, दैट इज लिमिटेड चार्ज स्पेस चार्ज अक्यूमुलेशन। हेडिंग देना लिमिटेड स्पेस चार्ज अक्यूमुलेशन मोड। लिमिटेड स्पेस चार्ज अक्यूमुलेशन मोड, ठीक है ना? शॉर्ट में इसको बोलते हैं बेटा LSA मोड। ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे गन डायोड या फिर गन इफेक्ट मोड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें फ्रीक्वेंसी और लेंथ का जो मल्टीपल है वो लेस देन, मतलब ग्रेटर देन नजर 2 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब इतने आयंस इकाई सेकेंड में अवेलेबल होने चाहिए, तब जाके ये LSA मोड काम करता है। ठीक है, सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, ये कब काम करेगा? जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी। सो व्हेन व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई द डोमेन डज नॉट हैव the domain does not have the domain does not have deficient time to form does not have sufficient time sufficient time the domain have not sufficient time to form while the field is above the domain does not have sufficient time to form, मतलब domain को बनने के लिए सफिशियंट टाइम नहीं मिलता है। वाइल द फील्ड इज अबाउ, वाइल द फील्ड इज अबाउ थ्रेशोल्ड, while the field is above threshold, so the most of the domain are maintained in the negative domain are maintained in the negative in the negative
कंडक्टिंग स्टेट। इन द नेगेटिव कंडक्टिंग स्टेट ड्यूरिंग अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द वोल्टेज, ड्यूरिंग अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द ड्यूरिंग अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द वोल्टेज साइकिल। एनी अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनी अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर द सर्किट कैथोड, नियर द सर्किट कैथोड हैज टाइम टू कोलैप्स, हैज टाइम टू कोलैप्स व्हाइल द सिग्नल इज बिलो थ्रेशोल्ड, while the signal is below threshold। अभी इसको समझ लो एक बार, फिर बाद में आगे वाले लिखेंगे, वरना तुम एक साथ सारा कुछ लिख लोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, इतना समझ लो पहले, फिर बाद में समझेंगे। सबसे पहली बात तो LSA मोड है, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी और सबसे ज्यादा चार्ज कैरियर्स कंटेन करता है आपका LSA मोड। अब इस मोड में हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को बहुत ज्यादा कर देते हैं, दैट इज व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई। व्हेन द फ्रिक्वेंसी इज वेरी हाई द डोमेन हैज डोमेन डज नॉट हैव सफिशियंट टाइम टू फॉर्म। तो जब ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है ना, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी, तो डोमेन के पास बनने का वक्त ही नहीं होता है, क्योंकि आप फ्रिक्वेंसी ज्यादा कर दोगे तो बेचारे भागेंगे, वो इकट्ठे हो ही नहीं पाएंगे। सो वाइल द फील्ड इज अबाउट थ्रेशोल्ड, सो द मोस्ट ऑफ द डोमेन आर मेंटेन्ड इन द नेगेटिव कंडक्टिंग स्टेट। तो जब आप लोग थ्रेशोल्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, यही तो बात की थी अपन लोगों ने, जब वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा हो जाता है, तो फिर हम लोग डोमेन बनना स्टार्ट कर देते हैं, हाई फील्ड डोमेन। और हाई फील्ड डोमेन की वजह से नेगेटिव कंडक्टिंग स्टेट या फिर नेगेटिव रेजिस्टेंस आता है, ठीक है ना। सो ड्यूरिंग द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द वोल्टेज साइकिल, तो उस लार्ज फ्रैक्शन में वोल्टेज साइकिल के हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कंडक्टिंग स्टेट में काम करेंगे। एनी अक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नियर सर्किट कैथोड हैज टाइम टू कोलैप्स व्हाइल द सिग्नल इज बिलो थ्रेशोल्ड। तो अगर मान लो आपने सिग्नल जो है थ्रेशोल्ड से कम कर दिया, तो उस स्थिति में जो है वो कोलैप्स होना स्टार्ट कर देगी कैथोड पे, बस इतनी सी बात है, आगे और समझो। दस द LSA मोड Thus the LSA mode is the simplest mode, is the simplest mode of the operation, of the operation, and it consists of a uniformly
ऑफ अ यूनिफॉर्मली डॉप्ड सेमीकंडक्टर डॉप्ड सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंटरनल स्पेस चार्जेस विदाउट विदाउट एनी हेलो आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू आ रहा है क्या कुछ? ओके स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? अच्छा पहले वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब क्लियर है क्या? अब देखना स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है। ओके ठीक है, अब देखो आगे। तो ये एक बार देख लो, ये आपको दिखना चाहिए, इसको पढ़ो एक बार ढंग से फटाफट से और एक बार समझो, अगर कुछ नहीं आता तो पूछो फटाफट से। एक बार एलएचएम मोड के बारे में कुछ पढ़ लो। ठीक है, कुछ हुआ क्लियर? बहुत सिंपल है, मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दे रहा कि एलएचएम मोड में क्या होता है। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो इस तरीके से। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि सबसे इजी मोस्ट सिंपलेस्ट मोड एलएचएम मोड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही चार्जेस अवेलेबल होते हैं डॉपिंग की वजह से। सो विदाउट एनी विदाउट एनी इंटरनल स्पेस चार्जेस विदाउट एनी इंटरनल स्पेस चार्जेस। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये अवेलेबल होता है। सो इन दिस इंस्टेंट, इस स्थिति में क्या हो जाएगा? In this instant, the internal electric field would be uniform and proportional to applied voltage. Proportional to applied voltage. The current in the device then the current in the device
करंट इन द डिवाइस इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, एट दिस फील्ड लेवल, एट दिस फील्ड लेवल द एफिशिएंसी ऑफ दिस मोड The efficiency of this mode can be greater than 20%। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था एफिशिएंसी के बारे में। तो इस मोड में जो इफिशियंसी वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग लगभग 20% के आसपास की इफिशियंसी होती है इसमें ना, इज ग्रेटर देन 20%। द ऑसिलेशन ऑन इंडिकेट द ऑसिलेशंस आर इंडिकेटेड इन डायग्राम। तो मैं कल डायग्राम बनाया था ना मैंने, उसमें दिखाए थे द ऑसिलेशंस आर इंडिकेटेड इन डायग्राम, इन डायग्राम डी। आप देखना डायग्राम जो अपन ने कल बनाया था इज, और उसमें आपने क्या देखा कि जो टोनोड होता है वो थ्री टो होता है, थ्री टो के आसपास, थ्री टो डी के आसपास होता है। तो वहां पर डायग्राम में लिखा होगा टोनोड इज इक्वल टू थ्री टोडी के आसपास का है, वेयर टोडी इज डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम, वेयर टोडी इज डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम फॉर एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड, फॉर एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड द प्रोडक्ट ऑफ डोपिंग एंड लेंथ, द प्रोडक्ट ऑफ डोपिंग एंड लेंथ। जो हम लोग देखते हुए ना डायग्राम में आपने बहुत सारी जगह लिखा भी होगा डोपिंग मल्टीप्लाई विद द लेंथ, मतलब एन मल्टीप्लाई विद द एल, किसकी बात चल रही है, एन मल्टीप्लाई विद द एल, वही होता है डोपिंग मल्टीप्लाई विद द लेंथ। ठीक है, इज अबाउट, इज अबाउट 10 टू द पावर 12 सेंटीमीटर माइनस 2, 10 टू द पावर 12 सेंटीमीटर माइनस 2, लगभग लगभग इतना होता है ना। एट लो फ्रीक्वेंसी लिमिट, एट लो फ्रीक्वेंसी लिमिट, ये लो फ्रीक्वेंसी लिमिट में वर्क करता है, एट लो फ्रीक्वेंसी लिमिट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी एस, वेलोसिटी बराबर यही तो होता है, वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद द लेंथ दैट इज द वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है 5 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 6
सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेडिएशन, तो द रिलेशन ऑफ द रिलेशन ऑफ बिटवीन डॉपिंग मल्टीप्लाई विद द लेंथ एंड फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई विद द लेंथ, ये दो दो पैरामीटर जो हम निकालने के लिए काम में लेते हैं वो देखते हैं कितना होता है रिलेशन। तो इसको निकालने के लिए नीचे आ जाओ। तो समस्या ये है कि डॉपिंग अपॉन फ्रिक्वेंसी, ये रिलेशन होता है लगभग 2 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 5 के आसपास का होता है ये, एट द अपर फ्रिक्वेंसी लिमिट, एट द अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट। अगर उसकी बात करें, हम लोग अपर फ्रीक्वेंसी लिमिट की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई विद द लेंथ क्या हो जाएगा, लगभग लगभग 5 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये अगर आपने कर दिया, पहले अगर ये था तो ये रिलेशन था, बट अब 10 टू द पावर 6 ना रहा, 7 हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, देन वो जो रिलेशन है ना वो ऐसा हो जाएगा, दैट इज एन नॉट अपॉन एफ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई विद 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये था तुम्हारे पास कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। अब अगर तुम एक बार, मैं तुम्हारा कमेंट देख लूँ, ये चैप्टर वैसे कंप्लीटेड है, फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझना है भावरू और नवरती तो मुझे बता देना, ठीक है। बाकी तो ऐसा कुछ इसमें था नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है। अब तो जो है हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये वाला तो खत्म हो गया। अब इसके बाद केवल हमें क्या है, दो ही चैप्टर और पढ़ना है, ये दो चैप्टर पढ़ते ही तुम्हारा काम हो जाएगा। जस्ट होल्ड डाउन, जस्ट होल्ड। हाँ तो बच्चों तुम्हारे आई के नहीं है, जल्दी बताओ ये बात समझ में। अगर कुछ और समझना हो तो पहले बता दो भैया। ताकि मैं कुछ और स्टार्ट करूं आगे। ओके करें स्टार्ट आगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें इस चैप्टर का एक और पार्ट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ा दूँ तुम्हें। तो रीड डायोड का तुम्हें मैंने शायद ऑपरेशन बताया नहीं है, रीड डायोड का मैंने तुम्हें शायद ऑपरेशन बताया नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, रीड डायोड को एक बार वापस से वापस उसका डेरिवेशन कर लेते हैं। कभी कभार क्या है वो डेरिवेशन आ जाता है, मैं सोच रहा हूँ उसको करवा दूँ, तो ताकि तुम्हारा क्या है इस चैप्टर में कुछ छूटेगा नहीं, ये एक चीज छूटी हुई है बस, डेरिवेशन ऑफ रीड डायोड या फिर इम्पैक्ट। तो एक बार उसको वापस से पढ़ते हैं अलग तरीके से रीड डायोड, क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट लग रहा है इस बार, तो मुझे थोड़ा सा उसको डिटेल में करवाना पड़ेगा। हेडिंग दो अगेन, जस्ट हेडिंग अगेन रीड
डायोड या फिर इम्पैक्ट डायोड। इसको दोबारा से लिखते हैं एक बार, क्योंकि ये डेरिवेशन किया नहीं हम लोगों ने, ठीक है ना। हालांकि इसको हमने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, बट इसको पूरा नहीं पढ़ा एक्चुअली अभी हमने, तो इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। द इम्पैक्ट डायोड इज अ माइक्रोवेव नेगेटिव कंडक्टेंस डिवाइस। द इम्पैक्ट डायोड, क्योंकि इम्पैक्ट का एक टाइप होता है रीड डायोड भी, ठीक है। ये मैं एक दूसरी बुक से पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, पहले मैंने किसी अलग से पढ़ाया था, पहले अग्रवाल की बुक थी, अब ये जीएस रघुवंशी की बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मुझे इसमें अच्छा लगा तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी करवाई दूँ। और ये इस बार इम्पोर्टेंट भी है डेरिवेशन। द इम्पैक्ट डायोड इज माइक्रोवेव नेगेटिव कंडक्टेंस डिवाइस, कंडक्टेंस डिवाइस दैट ऑपरेट बाय अ दैट ऑपरेट बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर मतलब चार्ज कैरियर ना, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरियर एंड ट्रांजिस टाइम इफेक्ट, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता ही है। एंड ट्रांजिस्ट टाइम इफेक्ट द डायोड विद सिंपल द डायोड विद सिंपल पीएन जंक्शन सिंपल पीएन जंक्शन स्ट्रक्चर आर स्ट्रक्चर आर बायस टू अचीव टनलिंग, बायस टू अचीव टनलिंग विद अ डीसी वोल्टेज, विद अ डीसी वोल्टेज सुपर इम्पोज ऑन द डीसी वोल्टेज, सॉरी विद एसी वोल्टेज, विद एसी वोल्टेज सुपर इम्पोज ऑन द डीसी वोल्टेज। ऑन द डीसी वोल्टेज द चार्ज कैरियर जनरेटेड बाय द चार्ज कैरियर जेनरेटेड बाय द इंजेक्शन प्रोसेस, मतलब इंजेक्शन प्रोसेस से चार्ज कैरियर्स को डालते हैं, जेनरेट बाय द इंजेक्शन प्रोसेस आर पास इन थ्रू आर पास इन थ्रू अ ड्रिफ्ट रीजन,
ड्रिफ्ट रीजन टू अ टर्मिनल ऑफ द डिवाइस टू द टर्मिनल ऑफ द डिवाइस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, वैसे तो समझाई थी मैंने पहले। द एसी कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टिंग करंट द एसी कॉम्पोनेंट ऑफ रिजल्टिंग करंट इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज इज अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस अवेलेबल है आउट ऑफ फेस विद द अप्लाइड वोल्टेज। विद द अप्लाइड वोल्टेज एंड विच गिव राइज टू द विच गिव राइज टू द नेगेटिव कंडक्टेंस कंडक्टेंस। द ट्रांजिस्ट टाइम डिवाइस कैन कन्वर्ट द ट्रांजिस्ट टाइम डिवाइस कैन कन्वर्ट द डीसी टू माइक्रोवेव एसी सिग्नल डीसी टू माइक्रोवेव एसी सिग्नल विद हाई इफिशियंसी विद हाई इफिशियंसी। थोड़ी थ्योरी अलग हो सकती है इसकी, बाकी स्ट्रक्चर वही का वही है, क्योंकि ये बुक चेंज कर दी ना मैंने, पर ये चीज ये अच्छा मिला मुझे इसलिए मैंने इसको करवा दिया, और ये होता भी है। द माइक्रोवेव डिवाइस यूजिंग ट्रांजिस्ट टाइम द माइक्रोवेव डिवाइस यूजिंग ट्रांजिस्ट टाइम इफेक्ट यूजिंग ट्रांजिस्टर टाइम इफेक्ट वाज मेड बाय रीड एंड इन्वॉल्व एन प्लस पी आई एन पी प्लस स्ट्रक्चर। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, पी प्लस स्ट्रक्चर इस तरह का ही बना होता है। ठीक है, तो बनने में इसमें कोई इतना कोई खास वो नहीं है, बना तो आप सकते हो, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि रीड डायोड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है एन प्लस, ये होता है पी, ये होता है आई, और ये होता है पी प्लस।
तो ये तो तुम्हारा पढ़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और नीचे का ग्राफ भी तुम लोगों ने बनाया भी होगा, इसी रीजन का एक अलग रीजन होता है। यहाँ पर हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी पे आ गए, यहाँ पर कांस्टेंट डेंसिटी है, यहाँ पर तो बहुत भयंकर डेंसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है। फिर डेंसिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, और फिर यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी, और फिर ये डेंसिटी वही की वही रहेगी। तो अल्टीमेटली ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट्स कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस डिवाइस कंसिस्ट टू रीजन, इस रीजन में दो तरह के होते हैं इस डिवाइस में, मतलब रीड डायोड में। सो दिस डिवाइस जस्ट होल्ड डाउन, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक आ गए थे? तो मैं यहां तक पहुंच चुका था बेटा कि दिस डिवाइस कंसिस्ट दिस डिवाइस कंसिस्ट टू रीजन, है ना। पहला क्या होगा, द एन प्लस पी रीजन एट विच एन प्लस पी रीजन एट विच एवलांच मल्टीप्लीकेशन अकर, मल्टीप्लीकेशन अकर। दूसरा जो होता है वो है द इंट्रिंसिक रीजन, द इंट्रिंसिक रीजन थ्रू विच जनरेटेड चार्ज कैरियर, थ्रू विच जनरेटेड चार्ज कैरियर मस्ट ड्रिफ्ट टू द पी प्लस कॉन्टैक्ट, मस्ट ड्रिफ्ट टू द पी प्लस कॉन्टैक्ट। द डिवाइस ऑपरेट इन अ नेगेटिव कंडक्टेंस मोड, द डिवाइस ऑपरेट इन अ नेगेटिव कंडक्टेंस मोड, ऑपरेट इन अ नेगेटिव कंडक्टेंस मोड when the AC component current is negative during which during which the AC voltage is positive, AC voltage is
पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब वही रामायण है इसमें कि नेगेटिव रेजिस्टेंस जनरेशन कैसे होता है एंड नेगेटिव रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट है वो क्या होता है। तो वही है, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू कम हो जाती है, दैट्स कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्टेंस। और ज्यादा कुछ में कुछ खास है नहीं। तो ये ही बहुत भयंकर था। अभी इसका मैथमेटिकल होना बाकी, बट मैंने ये दोबारा इसलिए पढ़ाया क्योंकि एक नए सिरे से था। तो पहले जो रीड डायरेक्ट पढ़ाया था और ये जो पढ़ाया है ना, उसमें कंपेरिजन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? क्योंकि डेरिवेशन मैं इसी के थ्रू करूंगा। ये जो रीड डायोड है, अब इसके डेरिवेशन करना है मुझे। हालांकि वो तो मैं कल ही कर पाऊंगा, आज तो करूंगा नहीं डेरिवेशन तो, ठीक है? बट हाँ, ग्राफ बताओ एक बार। ओके, ये लो ग्राफ। ग्राफ में केवल इतना शो हो रहा है, एन प्लस का मतलब होता है हाई डोपिंग रीजन। तो हाई डोपिंग रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बहुत ज्यादा हो रहा है। पी मतलब हो गया थोड़ा लो डोपिंग, तो लो में थोड़ा और कम हो गया, इस तरीके से।